हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो आप जैसा कि आप सब देख सकते हैं, मैं नहा धो चुकी हूँ और अब मैं होने जा रही हूँ तैयार। तो नहा धोकर तैयार होकर मैं कहाँ जा रही हूँ वो आपको बाद में पता चलेगा। तो चलिए सबसे पहले हो जाते हैं तैयार। तो फ्रेंड्स, मैं हो गई हूँ बिल्कुल तैयार और अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो मेरी जो आंटी जी हैं वो पूजा कर रही हैं सुहागनों की, तो उस पूजा में मुझे जाना है किसी मंदिर पे। किस मंदिर पे जा रही हैं मुझे भी नहीं पता है, मैं उन्हीं के साथ जाऊँगी। तो चलते हैं वहाँ पर और फिर दिखाते हैं आपको कैसे पूजा होती है, क्या है। और मेरा बाबू अभी सो गया है, आई होप कि वो सोता रहे। और उसके पापा जी अभी हैं घर पर और अनवी भी है, तो वो उसका ख्याल रख लेंगे दोनों लोग। तब तक मैं वापस आ जाऊंगी। अगर जाग भी जाएगा तो मैंने दूध बना दिया है बाबू के लिए, दूध पिला देंगे उसके पापा जी। और मैं कोशिश करूंगी जल्दी से जल्दी पूजा ख़त्म हो जाए, जल्दी से जल्दी मैं वापस आ जाऊं। बेटू मेरा अभी सो रहा है, सोते रहना है बाबू, परेशान नहीं करना पापा जी को। माँ आ जाएगी, जल्दी से आ जाएगी, बस जाएगी पूजा कर लेगी और आ जाएगी। तो फाइनली बाबू भी जा ही रहा है क्योंकि बाबू जग गया था। और इसको मैं नहीं छोड़ सकती, पापा जी नहीं संभाल पाएंगे, तो बाबू भी जाएगा। चलो बहू, मेली बहू देखो। तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही प्यारा सा मंदिर है। यहाँ पर मैं पहली बार गई थी, बहुत ही शांति का माहौल था यहाँ पर, बहुत ग्रीनरी थी, बहुत अच्छा लग रहा था। किसी भी मंदिर में जाके मन को बहुत शांति मिलती है, मुझे भी बहुत सुकून मिल रहा था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं कर रही हूँ अग्यारी, क्योंकि आंटी जी ने संकटियाँ की हैं मंदिर पर। हमारे यहाँ सुहागनों की पूजा को संकटियाँ बोलते हैं। सुहागन अलग से होती हैं और संकटियाँ अलग होती हैं। तो आंटी ने संकटियाँ की थी, सारी जो सुहागनें थी वो वहीं पर पहुँची थी। और बहुत ही अच्छा लग रहा था, एक अलग सा माहौल बन जाता है जब भी आप मंदिर में जाते हो। मंदिर में जाके कोई भी पूजा करते हो, कोई भी काम करते हो, हम घर पर भी कर सकते हैं, लेकिन घर पर और मंदिर में बस यही डिफरेंस होता है कि हमारे मन को शांति मिलती है। और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी संकटियाँ करते हैं तो उसमें हम कुछ जो मीठा होता है वो सुहागनों को खिलाया जाता है। तो आंटी यहाँ पर लौकी की बर्फी उन्होंने बनाई थी, वही हम सबको दे रही हैं, तो हम सब वो खाएंगे। इसके बाद पहले कहानी होगी संकटिया माता की और इसके बाद आरती होगी, इसके बाद हम लोग इसको खाना स्टार्ट करेंगे। सवारी सो सो सिंह से मुंबल साली अष्टे बो जाओ वाली ओके दो करे वाले। सुहाग का सामान लेने के बाद, सुहाग की चूड़ी बिंदी मेहंदी लेने के बाद हम सब घर के लिए निकल गए थे। और यहाँ का माहौल मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ही ग्रीनरी थी यहाँ पर।
तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फॉलो फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।